हेलो गाइज़, मैं शुभम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ है आज 18वां दिन और मैं आज आपको फीडिंग सिस्टम, फीडिंग लाइन कैसे काम करता है, कितने उसमें फीडर्स है, कितने बर्तन हैं, ये आप सबको मैं बताऊंगा। वो कैसे बंद और कैसे चालू होता है, कैसे फीड दिया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले, आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, इससे ये होगा मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहेंगी। मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहता हूँ और आगे भी बनाते रहूँ, तो आप लोगों का जो सहयोग है वो प्राथमिक है। इससे ये होगा कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस, बाकी चीज़ों के वीडियोस बनाते रहूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले आज का 18वां डे है, उसके बारे में बता देता हूँ। टेम्परेचर 29.4 30.5, ये टेम्परेचर है। वेट जो है 50 ग्राम होना चाहिए 18वें डे के हिसाब से। तो आज 18वें डे का दाना जो है अपन ने चला है, तो कल सुबह इसका वेट आएगा तो आ जाएगा। लगभग वेट जो है अच्छा चल रहा है, तो वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर्टिलिटी भी बहुत कम है, 15,000 बच्चों में अभी टोटल मोर्टिलिटी 280-290 हो गई है। अभी चार पाँच डेली के जो लूज़ बच्चे होते हैं वो डेड हो रहे हैं। तो फीडिंग लाइन के बारे में बात करते हैं। तो एक फीडर जो लाइन होती है उसमें 220 ऐसे बर्तन होते हैं। ये एक हो गई, ये दो, ये तीन, ये चार। जब भी अपन फीड देते हैं तो पहले जो है अपन लाइट बंद करते थे। लाइट बंद करने का कारण ये होता है कि बच्चे जो है हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं, बर्तन उनके हिसाब से कम होते हैं। तो लाइट बंद करने से ये होता है बच्चों को दिखता नहीं है, और जो बच्चे पास में होते बर्तन के वही खाना खाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है वो भिड़ते नहीं है। इससे ये मोर्टिलिटी होती नहीं है और बच्चा भी थोड़ा सा स्टेबल रहता है, उन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी रैकिंग भी चालू आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, फीडिंग लाइन में 220 बर्तन है, ऐसा कुल मिला के 880 बर्तन अपने पास है। तो ये काम ऐसे करती है, अपन वहाँ से बटन दबाते हैं मैनुअली, और ये मैनुअली अंदर से दाना जाते रहता है, और आखिरी में जब पीछे जो मोटर है वहाँ पर दाना, जब मोटर के पास अपना एक स्पेस है वहाँ दाना भर जाता है, तो अपने पास मशीन बंद हो जाती है। तो जो पाइपलाइन है इसके अंदर से दाना जाते थे। पाइपलाइन के अंदर एक रिंग है मोटी वाली, राउंड शेप, जो सामने शाफ्ट से कनेक्टेड, अंदर शाफ्ट होता है, तो वो घूमती है दाना, वो खसकाते खसकाते चलती है। तो खसकाने के चक्कर में जो दाना है यहाँ से गिर जाता है। देखिए, एक लॉक अनलॉक वाला, ये देखो अनलॉक हो गया, और ये लॉक, ये अनलॉक हो गया, तो अब दाना चलेगा, दाना इस बर्तन में गिरेगा, और ये हो गया लॉक। देखिए, ये होल दिख रहा है अनलॉक के लिए, तो ये ऐसा यहाँ होल इधर जाएगा तो अनलॉक हो जाता है। देखो, दाना जो है आपको देख, थोड़ा बहुत जो बचा यहाँ रहा होगा पाइप में वो गिर गया। इसको लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ अभी बच्चे है नहीं, इसलिए अपन ने इसको लॉक करके रखे है। जहाँ जहाँ बच्चे होते उसको अनलॉक कर दिया जाता है। तो ये फीडिंग लाइन के बारे में, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते वैसे वैसे फीड जाता रहता है। अभी करीबन 27-28 बोरी पर डे जा रहा है। सुबह मैं 8 बजे फीड देता हूँ, शाम में 5 बजे फीड देता हूँ। देख सकते बच्चे अच्छे, मुर्गे भी अच्छे इसमें हैं। कल मैं वेट करूँगा, कल आपको वेट बताऊँगा कि वेट क्या चल रहा है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन, आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग फीड कैसा देते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। आप लाइट बंद करते हैं मैनुअल शेड में या कैसा करते हैं, मुझे इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या कमेंट कर सकते हैं। तो यह है बैच, 18वां दिन है, मैंने 75-80% स्पेस दे दिया हूँ, थोड़ी बहुत स्पेस बची है। सामने में मैंने छोटा सा एक, जो लंगड़े लुड़े होते हैं अपन, उनके लिए मैंने एक छोटा सा बनाया हूँ, जहाँ पर उनको पानी मैनुअली और दाना मैनुअली मिल सके। क्योंकि इस स्टेज में यहाँ पर जो पानी की लाइन है, देखो, ये ऊपर जाती है, उनके हाइट के हिसाब से तो छोटे बच्चे होते पानी नहीं पी पाते, इस कारण से मैंने वो बनाई है। तो ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहो। इसके लिए आपको चैनल के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि हमारा जो चैनल है वो भी ग्रो करेगा, और ऐसे में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी बना पाऊँगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा। तो गाइज़, ये वीडियो को लिखता ही, देखिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, ये लेटरिंग देखो पतली पतली की है, एक ऐसा देखना भी पड़ता है कि कौन सा क्यों कर रहा है ये। अब इसके लिए पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत बच्चे देख रहे हैं ऐसे पतली कर रहे। अगर आपको इसके बारे में पता होगा कि ये वाइट वाइट क्यों कर रहे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे इसका कारण नहीं पता है। गाउट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट मैं डॉक्टर से कंफर्म करूँगा कि कैसा क्या है। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।
जय भारत।